तो ऑर्डर कैंसिल हो गया और ये इसमें पता है आपको क्या है, अब सुनकर हैरान हो जाओगे आज क्या मिला ये फ्री में। कल और आज मैंने 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, फिर 70 किलोमीटर में हमारे पैसे कितने बने अब उसकी बात करते हैं। फाइनली आफ्टर 1 मंथ और मोर देन 1 मंथ आई थिंक 1 or 2 months के बाद आज मेरा उबर का अकाउंट दोबारा से शुरू हो गया। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद तब जाकर अकाउंट चालू हुआ, और वो भी पहले वाला नहीं सेकंड अकाउंट, और सेकंड अकाउंट भी इजीली नहीं बना। ये सारी बातें मैं आपको आज के ब्लॉग में बताऊंगा और साथ में हम करेंगे उबर ईट्स। अभी शाम के 6:34 हुए हैं, हम 2-3 घंटे फुल उबर करेंगे शाम तक, रात तक, जब तक रात नहीं हो जाती, 9 बजे तक 8-9 बजे तक, देखते हैं कितने पैसे बनते हैं और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेक उबर ईट्स अकाउंट। अगर आपने उबर ईट्स चलानी है तो फिर आप उसका अकाउंट कैसे बना सकते हो साइकिल पर और गाड़ी पर, और आप ये वीडियो पूरी देखना, आपको सब कुछ पता चलेगा। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग, जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। हो गया रेडी, बांध लिया सर पे कैमरा, अब मैं आपको मिलता हूँ अपने मोबाइल में, मेरे सर से आप देखोगे सारा कुछ। अब आप तो अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये कर देता हूँ मैं रीसेट, तो फिर ताकि जब मैं पूरी चलाऊं आपको पता चल जाए कि मैंने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई और उसमें से कितने पैसे बने, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं जीरो पर कर देता हूँ, ये देखो जीरो पर हो गया ना, यहाँ पर अभी जीरो पर हो गया। अब हम यहाँ से ट्राई कर, यहाँ से चालू करेंगे अपनी उबर ईट्स, फिर देखते हैं कितने पैसे बनते हैं। उबर ड्राइवर, ये रही उबर ड्राइवर ऐप होती है, ये कर दी शुरू। ओ ये देखो लिख कर आ गया ना, कन्फर्म COVID-19 प्रिकॉशंस। अब इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा मास्क, आजकल मास्क गाड़ी में ही रखना पड़ता है, जरूरी हो गया है ना बहुत। और अभी ये इनको फोटो भेजनी पड़ेगी, ये देखो चश्मा लगाया हुआ है, पता नहीं होगी कि नहीं, लेकिन हो गई, ये देखो क्लियर। उनको क्या पता वो मास्क के पीछे बंदा कौन है ना। अब इसको हम चालू करेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें अगर हमें कोई भी डिलीवरी मिलेगी उसका हमें $1 एक्स्ट्रा मिलेगा टोटल में। स्टॉप साइन, यहाँ पर भी स्टॉप साइन हो, कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, हमें वहां पर 3 सेकंड स्टॉप लेना पड़ता है, 1, 2, 3। अब यहाँ से राइट का इंडिकेटर दिया, चले गए हम राइट को। अब ये देखो, अब ये और बिजी हो गया, अभी अभी हुआ और बिजी हो गया। अब ये $150 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 150 नहीं, आई मीन $1.50 एक डिलीवरी पर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उबर वालों ने बहुत ज्यादा तंग किया मुझे, मतलब बहुत ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता, बताऊंगा लेकिन बता क्यों नहीं सकता, बता सकता हूँ, बताऊंगा आपको। बहुत तंग किया मुझे उबर वालों ने, आई मीन मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, और उस 1.5 महीने में मैंने इनको कम से कम 40-50 बार कॉल कर ली होगी। ये देखो ऑर्डर आ गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है 11:11 है टोटल, लेकिन पैसे बहुत कम है, $4.93, लेकिन फिर भी हम उठा लेंगे, कोई बात नहीं क्योंकि पहला ऑर्डर है। ये देखो ये सामने KFC है, यहाँ से नहीं रास्ता जाता, उधर से जाना पड़ेगा हमें घूमकर, साथ में पिज्जा हट, और ये इधर मैकड़ी बना हुआ है। तो ऑर्डर उठा लिया हमने, मेरे सर पर देख रहे होंगे अब कैमरा नहीं है, वो कैमरा मैंने उतार दिया था, अंदर बहुत लोग थे तो फिर थोड़ी सी शर्म आ जाती इतने लोगों के सामने, अभी इतने बड़े ब्लॉगर नहीं ना हुए हम, इतना बड़ा ऑर्डर और इतने कम पैसे। चलो देखते हैं अभी कितनी दूर देना है ऑर्डर जाकर। दिस इज मेन एरिया ऑफ हैलिफैक्स, ये जो डाउन टाउन है ना वो चीज है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे आज ऐसे जा रही है मेरी गाड़ी इस वक्त, ये डाउन टाउन। वैसे सारा पीछे निकल गया, मेरे कैमरे का जो मेमोरी कार्ड था वो भर गया, इसलिए आपको डिलीवरी भी दिखा नहीं सका, डिलीवरी कर दी मैंने पहली। अब ये देखो ये यहाँ पर, ये आप देख रहे हो ये लाइब्रेरी है, ये पूरी की पूरी, मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ, देखो कितनी अच्छी बनी हुई है लाइब्रेरी।
दूसरा ऑर्डर आ गया हमें, अभी चलते हैं यहाँ पर। इसने $3 का वो ऑर्डर बताया, दैट्स टू लो है ना। बहुत सस्ते सस्ते ऑर्डर आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, और ऑर्डर आ भी कम रहे हैं। देखो ट्रैफिक कितना है, गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी आ रही हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता हैलिफैक्स में। दिस इज़ हैलिफैक्स, देख लो, मैंने आपको डाउनटाउन नहीं ना दिखाया अभी तक, ये डाउनटाउन नहीं है यहाँ का। डाउनटाउन तो बहुत सुंदर है हैलिफैक्स का, यू गाइस कैन हैव अ लुक अराउंड। हाय Uber Eats Andrew, that's it buddy, thank you so much, let me check। अब इसको छोड़ना है 2 मिनट की दूरी पर, 2 किलोमीटर पर छोड़ना है। वो रही हमारी बिल्लो रानी, वो पिक्का आंदा हुआ जी, पिक्का देख रहे हो आप, ओ माई गॉड, ये देखो, ओ फक, दैट्स टू हाई मैन, वो देखो कितना ऊंचा है। हमारी बिल्लो रानी आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। 2 किलोमीटर से भी कम हो गया, 1 किलोमीटर है अभी। पुलिस, ओह माय गॉड, इट लुक्स लाइक ब्रैम्पटन पुलिस, क्योंकि ब्रैम्पटन की जो पुलिस है ना उसके पास चार्जर होती है, चार्जर जो तेरी फक। आपने देखा नहीं वो गाड़ी कैसे आई, इधर इधर है जगह भी नहीं थी, उधर भी गाड़ी थी, बीच में से निकल के गई, इतनी ज्यादा तेज ना, इतनी ज्यादा तेज, अगर उसे पुलिस देख लेती ना तो फिर आज तो गया था वो। अभी हमने जाना है 1.2 किलोमीटर पर इसका ऑर्डर छोड़ने, पास ही है, इतना दूर नहीं है। देखा आपने, इतने पास पास ऑर्डर होते हैं, यही फायदा है डाउन टाउन में या फिर छोटे शहरों में डिलीवरी करने का। लाइक हैलिफैक्स इट्स सो स्मॉल सिटी, तब इसके आसपास ही ऑर्डर्स आते रहते हैं, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, हमारी गैस भी नहीं लगती, हमारे किलोमीटर्स भी नहीं लगते, और हमें पैसे ऑलमोस्ट सेम मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग टिप दे देते हैं। वो सामने प्लेन उड़ा, प्लेन प्लेन नहीं सॉरी, काइट उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है, प्लेन कह दिया मैंने सॉरी। ये बड़ा लगता है 2, 3, 4, 5, अब यहाँ पर हमने ऑर्डर छोड़ना है, लीव एट डोर, फोटो भी लेनी पड़ेगी। Enjoy your food, sir. No problem. कुत्ता देखा अपने खाने को कर रहा था, पता नहीं मुझे खाने को कर रहा था या फिर फूड को, पिज्जे को खाने को कर रहा था। हमने दूसरी डिलीवरी कर दी अपनी, तो कितने पैसे इसके $3 मिलने थे, मे बी बाद में कोई टिप वगैरह दे दे वो। आज बहुत स्लो स्लो डिलीवरीज आ रही हैं, 40 मिनट हुए हैं चलाते हुए हमें, 40-45 मिनट, और उसमें हमारे ऑलमोस्ट $10 भी नहीं बने अभी तक। अगली डिलीवरी आ गई हमें, लेकिन इस बारी हमें आई है ग्रोसरी डिलीवरी। कितनी रौनक लगी हुई है यहाँ हैलिफैक्स में, शांति, देखा आपने कितनी रौनक लगी हुई है यहाँ हैलिफैक्स में, ऐसा है, गोरियां कभी इधर से निकल कर आती हैं, कभी उधर से निकल कर आती हैं, कभी इधर से कभी इधर से, गोरियां ही गोरियां हैं हैलिफैक्स में। ब्रैम्पटन में आप मानोगे नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखती कोई गोरी। अब ये देखो मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क लगाई है ना, यहाँ पर मैंने क्यू लगाई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 8 to 6 PM मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स। हैलिफैक्स ना थोड़ा पुराना सा बना हुआ है, जैसे टोरंटो होता है ना वैसा बना हुआ है ये सारा एरिया, इसलिए यहाँ पे जो सड़कें हैं ना या फिर घर हैं उनके ड्राइवे नहीं है लाइक टोरंटो की तरह, लेकिन जो नए घर बन रहे हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े ड्राइवे वगैरह होते हैं। Uber Eats. Oh yeah, just for vlogging. So this is next day today. अब तक आपने जितनी वीडियो देखी वो कल की थी, almost 2 घंटे चलाई थी Uber, और आपने देख लिया बीच में 4 ऑर्डर आए थे और सारी टिप्स वगैरह मिलाकर almost $26 बने मेरे। 28.9 किलोमीटर यहाँ पर लिखी हुई है, आप 25 मानकर चलो।
आप ये ऑर्डर देख रहे हो, इतने बड़े बड़े ऑर्डर इंडियन रेस्टोरेंट से भी आते हैं। यहाँ पर अभी इंडियन रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर उठाया और जैसा कि आपने अंदर देखा, उन्होंने पूल वगैरह लगाए हुए हैं खेलने के लिए। वहां पर लोग आते हैं पैसे देकर पूल वगैरह खेलते हैं और मतलब काफी है। जैसे हैलिफैक्स में ना इंडियन रेस्टोरेंट मुझे लगता वहां पर ज्यादा चलते हैं, यहाँ पर गोरे ज्यादा होते हैं। दे लव इंडियन फूड, उनको बहुत पसंद होता है इंडियन फूड और वो ज्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट पर ही जाते हैं। अब ऑर्डर डिलीवर करने चाहते हैं। अब ऐसे कभी कभी किसी किसी डिलीवरी को उठाने में टाइम लग जाता है, जैसे कि मैंने इस डिलीवरी के लिए 10-15 मिनट वेट किया। मे भी वो रीइंबर्समेंट दे दे, लेकिन इतने नहीं देते इसलिए लॉन्ग वेट का टाइम इतना नहीं मिलता। आज ऑर्डर बैक टू बैक आ रहे हैं, पहला ऑर्डर ख़त्म नहीं होता साथ में दूसरा आ जाता है और वो मैं डिलीवर कर ही रहा था कि साथ में ही आ गया ये ऑर्डर। तो अभी आज की वीडियो, आज संडे का व्लॉग और कल जो किया था सैटरडे का, क्योंकि कल तो इतनी डिलीवरीज आई नहीं थी। मे भी मैं इन दोनों व्लॉग्स को इकट्ठे कर दूंगा, फिर आपको टोटल बताऊंगा कितने पैसे बने। बात ऐसी है कि कल हमारे 2 घंटे में बने थे $19 और अगर हम आज की बात करें, आज मैंने ऑर्डर कर लिए हैं 5। अभी तक मैंने 5 ऑर्डर कर लिए हैं और मैं आया था घर से ऑलमोस्ट 5:30 बजे। हाँ, 5:30 बजे के बाद ऑलमोस्ट 5:35 पर आया था। आज हमारे 2 घंटे पूरे नहीं हुए, ऑलमोस्ट $43 बन गए हैं। और आज का मौसम इतना बढ़िया है ना, इतना अच्छा मौसम है। तो फिर आज अभी मैं कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा, अच्छा साइड से देख लो, वो देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है। अभी 7:22 हुए हैं, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी करूंगा 1.5 घंटा और, तो फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कितने पैसे बने। अभी ऑर्डर उठाया था ना मैंने, जो नान एंड कड़ी से मैं ऑर्डर देने के लिए पहुंचा, कस्टमर को कॉल कर रहा था, मैं कॉल नहीं उठाई कस्टमर ने। उबर ने मुझे कहा कि 5 मिनट वेट करो, अगर 5 मिनट तक कस्टमर नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल कर देना। तो 5 मिनट तक वेट की, 5 मिनट तक कोई कस्टमर नहीं आया ऑर्डर लेने, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। और ये इसमें पता है आपको क्या है, आप सुनकर हैरान हो जाओगे आज क्या मिला ये फ्री में, इतना बड़ा ऑर्डर। सबसे पहले ये सारा का सारा इंडियन है, एक लैम्ब कड़ी, एक या दो नान थे, 2 रसमलाई चावल थे साथ में, 2 गुलाब जामुन, 1 पालक पनीर की सब्जी। मतलब इतना बड़ा ऑर्डर इंडियन वो भी। अब बताओ मैं क्या करूं इसका, खाना खाने को फेंकना नहीं चाहिए। मैंने बचपन से मैं अपनी किताबों में पढ़ता आया हूं कि खाने को फेंकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे खाऊंगा। अगर आज खत्म नहीं हुआ मैं इसे कल फिर से खाऊंगा, अगर कल खत्म नहीं हुआ मैं इसे परसों फिर से खाऊंगा, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ उबर ईट्स। आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपने साइकिल पर चलानी है सबसे पहले तो साइकिल तो चाहिए ना, तो उसकी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपकी एज बस 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने गाड़ी में चलानी है आपकी एज 19 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपके पास फुल लाइसेंस होना चाहिए, जी लाइसेंस जो होता है ना ओंटारियो के हिसाब से, वो वाला फुल लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि G2 हो और उस पर आप चला लोगे, जैसे कोई बाकी कुरियर सर्विसेज हैं लाइक उबर, सॉरी नॉट उबर ईट्स, स्किप द डिशेस वगैरह हो गई, वो G2 पर चली जाती हैं, लेकिन हम उबर नहीं चला सकते G2 पर। उबर नीड्स फुल कार लाइसेंस। तो अगली चीज चाहिए हमें कार। अब कार कौन सी चाहिए, कार आपकी मतलब अगर आपने उबर ईट्स चलानी है, मैं आपको सिर्फ उबर ईट्स का बता रहा हूँ, नॉट फॉर उबर, ओके ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ उबर ईट्स। उबर ईट्स के लिए आपको कार चाहिए ज्यादा से ज्यादा मतलब 2000 सन से पुरानी कार नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात, नॉट ओल्डर देन 2000। और इसके लिए आप 2-डोर कार भी यूज कर सकते हो और 4-डोर कार भी, 2-डोर लाइक मस्टैंग वगैरह, और 4-डोर आप कोई भी कार यूज कर सकते हो उबर ईट्स के लिए। इसके अलावा उनको डॉक्यूमेंट्स आपके कार के चाहिए, इंश्योरेंस, ओनरशिप तो चाहिए और लाइसेंस।
अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि कार मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे पास लाइसेंस है फुल और मैं उसकी कार पर चला लेता हूँ ओवर इट्स, नो ऐसे नहीं चलता। ओवर नीड्स योर कार, योर लाइसेंस, एवरीथिंग इज योर। और आपके नाम पर इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके नाम पर कार होनी चाहिए और आपके ही नाम पर आपका ही लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप चला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं चला सकते। ठीक है, अब बाकी अगर हम आगे बात करें, अब बाकी आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, लास्ट में बात आती है फिर आपका होता है बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक में वो आपका चेक कर सकते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर आपकी लाइसेंस पर कोई टिकट्स वगैरह या कुछ ऐसा है तो नहीं ना। अगर आपका बैकग्राउंड चेक क्लियर हो गया देन यू आर गुड टू गो, तो आप जहां मर्जी जैसे मर्जी चलाओ। और इसका ऐसा नहीं है कि परमानेंट कोई शिफ्ट होती है, आपकी मर्जी है, जब आपने ऑन करना है तब ऑन कर लो, जब आपने बंद करनी होगा तब बंद कर लो। ये देखो 77.5 किलोमीटर, ये भी अभी ज्यादा दिखा रहा है यहाँ पर। इसमें से आप लगाकर चलो कि 65 या 70 लगाकर चलो। कल और आज मैंने 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, फिर 70 किलोमीटर में हमारे पैसे कितने बने अब उसकी बात करते हैं। सो 70 किलोमीटर गाड़ी चलाई और उसमें से मैंने कल की और आज की मिलाकर टोटल 70 किलोमीटर। अगर कल की बात करें, कल मैंने सिर्फ गाड़ी चलाई थी 20 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और 25-27 डॉलर्स बने थे मेरे कल। और आज बाकी मैंने गाड़ी चलाई ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर और ढाई पौने तीन घंटे उबर की और आज के मेरे बने 75 डॉलर्स इंक्लूडिंग टिप्स। ऑल डिपेंड अपॉन द टाइम, आज संडे था, आज ऑर्डर बैक टू बैक आ रहे थे। अगर हम टोटल बात करें, टोटल मेरा दो दिनों के अगर हम आवर्स काउंट करें, साढ़े चार घंटों में मेरे बने 101 डॉलर बना मेरा साढ़े चार घंटों में। दैट्स नॉट बैड आई थिंक सो। 10-15 डॉलर की गैस लगी होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर सस्ती गाड़ी होगी, इसकी एवरेज बढ़िया है, उसकी और भी ज्यादा कम गैस लगेगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, जो नए आए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सपोर्ट कर दिया करो और जो साथ में बेल आइकन है उसको जरूर दबा दिया करो, नोटिफिकेशन चली जाती है आप तक। स्टे होम स्टे सेफ, मिलेंगे अगले व्लॉग में, कीप वॉचिंग कंडा व्लॉग्स। पालक पनीर, लैम्ब कड़ी, चावल, समोसे, नान, गुलाब जामुन, रसमलाई जिसमें सिर्फ मलाई मलाई लग रही है, नहीं रस रस लग रहा है, मलाई लग नहीं रही, चटनी और दो चटनियां।